गुड फूड गुड मूड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर खाना अच्छा हो तो मूड भी अच्छा हो जाता है। तो आज ऐसा ही कुछ मैं खाना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है एक पास्ता की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल रेड सॉस पास्ता की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप इसका कलर देख सकते हैं, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, और मैंने इस पर ऐड किया है ढेर सारा चीज। तो ये बन जाएगा चीजी रेड सॉस पास्ता, बहुत ही टेस्टी बनता है। और सिर्फ 5 मिनट में आप ये पास्ता किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं, लंच में सर्व कीजिए, डिनर में सर्व कर सकते हैं आप, या फिर कोई भी गेस्ट आपके घर में आ रहा हो ना, तो पहले से प्रिपरेशन करके इसको 5 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों के टिफिन में भी आराम से आप उनको दे सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी भी बहुत ज्यादा है। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें रेड सॉस बनानी होगी। इसको हमें कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक बर्तन लेना है, वेसल लेना है, और उसमें डालना है 1 लीटर पानी। साथ ही यहाँ पर आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डालकर हम मिक्स कर देंगे। पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। तो आज मैंने पेने पास्ता का यूज किया है, जिसको कि एक बार मिक्स करके लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मैंने पका लिया है मीडियम हाई फ्लेम पर। और पास्ता अच्छे से कुक हो चुका है, इसको हमें लगभग 80 से 85% कुक करना है। पास्ता बॉईल होकर तैयार है, इसको हम छान लेते हैं। पर यहां पर इसको हमें वॉश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको हम बिल्कुल वॉश नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही साइड में छोड़ देंगे। तो पास्ता बॉईल हो चुका है, आप चाहे तो पास्ता को पहले से बॉईल करके रख सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको आप किसी भी डब्बे में बंद करके ना फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाना है, बच्चों के लिए टिफिन में बनाना है, तो रात को ही आप इस तरह से टिफिन में भरकर रख दें, और सुबह आप उठकर आराम से सॉस पहले से बना लें, और उसके बाद में आराम से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए ये रेड वाली सॉस बना लेते हैं, रेड सॉस पास्ता के लिए। इसको भी आप पहले से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और तुरंत से आपका पास्ता तैयार हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, कोई वेसल लेना है, कोई भी बर्तन ले लें, इसमें डालें 1 ग्लास के करीब पानी। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहां पर थोड़े से बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर को अच्छे से धोकर इसमें इस तरह से क्रॉस लगा दिया है, कट लगा दिया है, और इसको पानी में हम डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। तो मैंने यहां पर 3 से 4 लाल मिर्चें डाली हैं, सूखी लाल मिर्चें हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और यहां पर ढककर हमें टमाटर को बॉईल करना है लगभग 5 से 7 मिनट, या फिर तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि टमाटर और लाल मिर्च अच्छे से बॉईल नहीं हो जाती, एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो मीडियम हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट इसी तरह से कुक होने दीजिए। ये देखिए, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसकी स्किन भी बिल्कुल डिटैच हो गई है, अलग हो गई है टमाटर से। और ये देखिए, लाल मिर्चें भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो स्किन आराम से बाहर आ रही है। तो स्किन को भी हम निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा कर लें, इसके बाद में स्किन को बिल्कुल निकाल कर अलग कर लें। ये देखिए, स्किन को बिल्कुल निकाल देंगे। तो टमाटर की छिलका हमने हटा दिया है, और इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। जो पानी था ना, वो भी हमने इसमें डाल दिया है, और इसको बस डायरेक्टली आपको प्योरे बना लेना है। इसका फाइन प्योरे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो ये जो सॉस है हमारी बनकर तैयार है, इसको पहले से बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में आप रख दीजिए, और जब भी आपको पास्ता बनाना हो तो आप बना सकते हैं। पूरे 1 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा पास्ता भी बॉईल हो चुका है, रेड सॉस भी बनकर तैयार है, तो हम अपना रेड सॉस पास्ता बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेनी है, आप रेगुलर कोई भी एल्यूमिनियम की लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और तेल को गर्म करके हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। साथ ही यहां पर 8 से 10 लहसुन की कलियां डाली हैं, और 1 बड़े साइज का प्याज बारीक काटकर डाल दिया है। आप उसकी जगह 2 मीडियम साइज की प्याज को भी फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। अब प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा इसको हमें कलर नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्राउन करना है, बस हल्का सा इसमें कलर आ जाए। तो देखिए, यहां पर हमारी प्याज भुन चुकी है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने सॉस बनाकर रखी थी। हम चाहें तो इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की, अपने बच्चों की पसंद की। आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, आप इसमें कॉटेज चीज भी ऐड कर सकते हैं। पर मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बनाया है, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व किया जाता है। तो सॉस को हमने मिक्स कर दिया, अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। तो आधी चम्मच के करीब सॉल्ट हमने जब पास्ता को कुक किया था तब भी डाला था, इसलिए सॉल्ट अभी हम कम ऐड करेंगे, लगभग 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है। तो नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे, और सॉस को लगभग 2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। वैसे तो सॉस हमारी पहले से पकी हुई है, टमाटर ऑलरेडी पका हुआ है काफी अच्छे से, तो बहुत ज्यादा टाइम इसको पकने में नहीं लगता है। तो बस देखिए, 2 मिनट के करीब मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया।
अब यहां पर इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है 2 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप। इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड हर्ब्स, तो आप पिज्जा सीजनिंग भी डाल सकते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स भी आती है मार्केट में जिसमें नमक होता है, पेपर होता है, इसके अलावा गार्लिक पाउडर होता है और ऑरिगेनो, थाइम, ये सब होता है, तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये आप 1/2 टीस्पून डाल दें। 1/4 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही स्पाइसीनेस के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने ट्विस्ट के लिए डाला है, ये मेरा वर्जन है और मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सॉस बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पास्ता मैं तो कहूंगी आप पहले से बॉईल करके रखें, लगभग 2 घंटे पहले से ही बॉईल आप कर लें। इससे क्या होता है, जब पास्ता ठंडा हो जाता है और उसके बाद में जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब करता है। तो बेस्ट रहता है कि आप रात को ही पास्ता को बॉईल करके फ्रिज में रख दें और मॉर्निंग में या फिर दोपहर में या शाम को जब भी आप पास्ता की रेसिपी बना रहे हैं ना, तब आप बना लें। तो देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारा पास्ता अच्छे से सॉस से कोट हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे और कलर इसका और एनहेंस हो जाएगा। तो बस ये पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार आप सीजनिंग चेक कर लें, नमक वगैरह अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए रेड सॉस पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको बढ़िया से आप इस तरह से सर्व कर दीजिए। आप बच्चों के टिफिन में भी इसको बंद करके दे सकते हैं, ऊपर से चीज ग्रेट कर दीजिए। ये देखिए मैंने हल्का सा हरा धनिया भी डाला है, साथ ही हम इस पर चीज ग्रेट कर देंगे। तो ये देखिए चीजी रेड सॉस पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह से अपने घर में बना सकते हैं, बच्चों को दीजिए, मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए और रेसिपी को जरूर बनाइएगा अपने घर में, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो कैसी लगी रेसिपी लिखकर जरूर बनाएं, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।